माँ की पाकशाला में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिरफल के मुरब्बा, तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब चलिए सिरफल के मुरब्बा बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए मैं दिखा रही हूँ। तो मैंने एक सिरफल ले लिए हैं, ये सिरफल है, ये शक्कर है, ये इलायची है। इलायची को मैंने पाउडर बना लिए हैं, एक कटोरी चीनी लिए हैं, एक सिरफल छोटा लिए हैं। तो बना रही हूँ कैसे सिरफल को मैं तोड़ रही हूँ। सिरफल के तोड़ने का तरीका जानिए। देखिए सिरफल को मैं ऐसे से मैं ठोक लेती हूँ, चारों तरफ से ऐसे तोड़ना है, सिरफल आसानी से मेरा इसका बीज निकल जाए अंदर का गुद। सिरफल टूट गया, ये देखिए सिरफल को मैंने फोड़ लिए हैं इसको। अब ये इसका गुद निकाल लेते हैं इस तरह के करके, इसको ऐसे कटिंग कर लिए। ये देखिए ऐसे कटिंग कर लेते हैं हम। इसको गुद को मैंने निकाल लिया, इसको अलग कर देती हूँ। ये देखिए ये निकल गया, कितना बढ़िया से निकल गया, ये निकल गया। अब इसको चलिए तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए मैं छोटे छोटे टुकड़े को बना लिए हैं, इसको इस तरह के काट लिए हैं, इस तरह के मैं छोटे छोटे टुकड़ा कैसे बना दीजिए, इसको ऐसे काट लिए हैं हमने। अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ, इसको कढ़ाई बिठा देती हूँ। कढ़ाई में मैं डालती हूँ पानी, सारे पानी को मैं नहीं डालूंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं। पानी को मैंने डाल लिया, जो मैं शक्कर रखी थी उसको भी मैं डाल देती हूँ। ये देखिए ये जो शक्कर है इसको भी मैंने डाल दिया, इसको मैं चला देती हूँ। तब तक मैं इसको इंतजार करती हूँ कि जब तक इसमें उबाल आ जाए। तैयार हो गया है, इसमें मैं इसको डाल देती हूँ। इसको डाल करके मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी, 15 मिनट पकाऊंगी इसको, 15 मिनट में पक जाएगा। ये देखिए हम डाल दिए, अब इसको छोड़ देती हूँ पकने के लिए। 10 से 12 मिनट ही पकेगा तो पकाएंगे हम। ये देखिए ये पक रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये अगर बना करके आप रख देंगे तो सालों साल तक ही जाता है। और जिसको मल और पेचिस पकड़ लिया है, पेट खराब हो गया है, उसको आप खिला करके पानी नहीं पिलाए तो बहुत बहुत फायदेमंद चीज़ होता है यह। ये ऐसे घर में बनाएं और बना कर रख दीजिए, बहुत फायदा करता है ये, बहुत अच्छी चीज़ है पेट के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़, बहुत फायदेमंद चीज़ है ये सालों साल तक रह सकता है। ये पेचिस का बहुत कारीगर दवा है, ये एकदम रामबाण दवा है, ये बहुत फायदा करता है, पेचिस में बहुत फायदा करता है। पक चुका है, अब मैं इसको उतार दूंगी। अब इसमें इलायची भी मैं डाल देती हूँ, ये जो इलायची मैं रखी थी इसको भी मैं डाल देती हूँ उसमें। ये इलायची डालने से थोड़ा बहुत सुंदर सुगंध इसका अच्छा आता है। गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ, ये तैयार हो गया, पक चुका है, मैं गैस को ऑफ कर दी। अब इसमें छान कर निकाल दे रही हूँ, इसको मैं छान कर निकाल लूँगी। ये देखिए ये पक चुका है मेरा, ये देखिए ये मेरा पक चुका है, इससे थोड़ा मुरब्बा मेरा तैयार हो गया। इसको मैं निकाल ले रही हूँ, एक बोल में निकाल दे रही हूँ इस तरह। देखिए ये पक चुका है, मैंने छोटा छोटा टुकड़ा कर लिए थे। ये जो सिला है इसमें मैं इसे छान लेती हूँ। मैं इसलिए छानती हूँ कि जो बीज इसमें है वो निकल जाएगा। ये देखिए मेरा छन गया, सब छान लिए हम। अब इसको हटा देती हूँ मैं, इसको हटा देती हूँ। ये देखिए ये बन के तैयार हो गया मेरा सिरफल के मुरब्बा, इसका खुशबू बहुत सुंदर आ रहा है। ये रेसिपी बहुत अच्छा है, ये पेट के लिए तो बहुत सुंदर है। अगर पेट खराब हो जाता है किसी को तो ये खिला दीजिए तो बहुत उसका पेट तुरंत ठीक हो जाता है। ये बहुत रेसिपी अच्छा है। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, अगला वीडियो के इंतजार करें ताकि मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।